नवी मुंबई नेटवर्क। उत्तर भारतीय समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया है। आगामी नवी मुंबई मनपा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को चारों खाने चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को और तेज कर दिया है। जल्द होने वाले नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव में उत्तर भारतीय वोट बैंक को साधने और उत्तर भारतीय समाज की ताकत को मजबूत करने प्रदेश उपाध्यक्ष व उत्तर भारतीय मोर्चा प्रभारी कृपा शंकर सिंह ने भाजपा नवी मुंबई जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत के निवास स्थान पर भेंट दी। गौरतलब है कि उत्तर भारतीय मोर्चा प्रभारी बनने के बाद कृपा शंकर सिंह का नवी मुंबई का ये पहला दौरा है, जहां इस अवसर पर उनके साथ भाजपा नवी मुंबई जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा नवी मुंबई जिलाध्यक्ष राजेश राय, एडवोकेट रमेश त्रिपाठी आदि तमाम भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि हर महानगर पालिका चुनाव में उत्तर भारतीय वोट बैंक निर्णायक बनकर साबित होते हैं। इतना ही नहीं, इन उत्तर भारतीय वोटों का झुकाव अधिकतर भाजपा की तरफ हमेशा देखा गया है। ऐसे में अपने मूल वोट बैंक को मजबूती से बचाकर रखने और इस महानगर पालिका चुनाव में उत्तर भारतीय समाज के निर्णायक वोट बैंक को साधने के लिए कृपा शंकर सिंह का नवी मुंबई का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान कृपा शंकर सिंह ने नवी मुंबई भाजपा मंडल और जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत से इस मुद्दे पर सविस्तार चर्चा की। आगे की रणनीति के अनुसार एक्शन प्लान लेने के उन्होंने संकेत दिए। वहीं उनके इस मुलाकात ने उत्तर भारतीय मोर्चा को भी नवी मुंबई में संजीवनी प्रदान की। इस दौरान चिंतन मंथन के उपरांत नवी मुंबई पत्रकारों से संवाद साधते हुए उन्होंने कहा कि नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव में उत्तर भारतीय लोगों का रुझान भाजपा पार्टी की तरफ है और इस बार इस महानगर पालिका चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित है। कोरोना काल में जो दुर्गत हुई है, जिन ढंग से लोगों को सीमेंट की उसमें बैठ के जाना पड़ा, ट्रक में जाना पड़ा, ऑटो रिक्शा जाना पड़ा, इस सरकार को तो मतलब खाली भगाने का था, इसी बहाने उत्तर भारतीय भाग जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस ढंग से घर घर जाके, हमारे जिला अध्यक्ष रामचंद्र घरत जी, मुझे एडवोकेट रमेश त्रिपाठी हों या राजन पांडे हों या राजेश राय हों, इन सब में हमारी बात होती थी। लोगों के घर पे सैनिटाइजर बांटना, ये मास्क भेजना, खाना नहीं राशन भेजना, ये सब जो हुआ है तो लोग ध्यान रखे, भूलते नहीं हैं। इसलिए उत्तर भारतीय समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया है। आने वाले समय में नतीजे जब आएंगे तो नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे और भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपनी जो महापालिका है, चाहे नई बम्बई हो, चाहे पनवेल हो, चाहे उल्लासनगर हो, चाहे थाना हो, मीरा रोड हो, भाईंदर हो, अमरावती हो, पूना हो, नासिक हो, ये सब जगह मेरे ऊपर एक जवाबदारी दी है कि मुझे लोगों से संपर्क करना है। आज मैं जा रहा था एक शादी के कार्यक्रम में, संपर्क शुरू हो गया, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो अपेक्षा लोगों की, जनता को है या मतदाता को है, वो पूरा होगा। वहीं नवी मुंबई उत्तर भारतीय मोर्चा जिलाध्यक्ष राजेश राय ने कहा कि 58 जिलों में उत्तर भारतीय मोर्चा स्थापित हो चुका है, जिसका निर्णायक परिणाम आगामी मनपा चुनावों में साफ दिखाई देगा। आप लोग देख ही रहे हैं कि पहले संजय उपाध्याय जी जो हमारे प्रभारी थे, फिर संजय पांडे जी महाराष्ट्र के अध्यक्ष बने, उनके नेतृत्व में यहाँ से लेकर यूपी तक किस तरह सक्रिय काम हो रहा है और जिसका रिजल्ट सबको मिल रहा है, इसीलिए आज महाराष्ट्र में 58 जिलों में उत्तर भारतीय मोर्चा स्थापित हो चुकी है। ये दिखाता है कि सब में कितना जोश है। और आदरणीय कृपा शंकर सिंह जी के बारे में कुछ बोलना छोटी बात होगी, सभी लोग जानते हैं। आज उनके आने से एक एक कार्यकर्ता इतना उत्साहित होगा कि आने वाले कुछ ही दिनों में आपको इसका रिजल्ट मालूम पड़ेगा कि कितने लोग वापस से उत्तर भारतीय मोर्चा भाजपा में मतलब कि प्रवेश करेंगे, ये आने वाले वक्त बताएगा। जो भी अपने बाकी विपक्षी पार्टी है, जो उनको लगता है कि मतलब कि हमारा इतनी सीट आ जाएगी, मैं जानता हूँ अच्छी तरह कि हमारे नेता कृपा शंकर सिंह जी, आदरणीय संजय पांडे जी, आदरणीय संजय उपाध्याय जी जब अपना दौरा करेंगे तो उनकी सबकी सब गणित फेल हो जाएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है।
ब्यूरो रिपोर्ट नवी मुंबई नेटवर्क। Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower.